बी वॉयलेंस इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में पिछले कुछ दिनों में हुआ है, चाहे वो एबीवीपी के द्वारा अभी किया गया वॉयलेंस हो या इसके पहले जब भी कभी किया गया हो। इस वॉयलेंस के पहले हिंदू कॉलेज में प्रोटेस्ट हुआ था, उस दौरान भी एबीवीपी ने वॉयलेंस किया था और उस पर भी इंडिविजुअली मेरे साथ भी मारपीट की गई। हम इन सभी वॉयलेंस के खिलाफ जो भी संघर्ष चल रहा है उसमें आप सबके साथ हैं, पर इसके साथ हम ये बात बताना चाहते हैं कि हमारा जो भी आंदोलन या संघर्ष इस यूनिवर्सिटी में चल रहा है वो केवल एबीवीपी या मोदी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सिटी का स्पेस अभी भी इनइक्वल स्पेस है, यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। फीस इस यूनिवर्सिटी की पिछले 4 साल में दोगुनी हो चुकी है और इसी बीच 13-point रोस्टर और इन सब चीज़ों के साथ रिजर्वेशन को ख़त्म किया गया है। तो हमें अपने सभी स्ट्रगल्स में ये सब जरूरी क्वेश्चंस को जोड़ना पड़ेगा और मोदी हार जाए या दोबारा जीत जाए उससे अलग, कांग्रेस आ जाए इससे भी अलग, हमें इन सभी क्वेश्चंस के साथ एक पावरफुल स्टूडेंट मूवमेंट बिल्ड करने की ज़रूरत है। इसी सोच के साथ हम लोगों ने कलेक्टिव संगठन के साथ ये सोच रहा है। बट फियर, आज चारों तरफ एक खौफ का माहौल फैला हुआ, बट आप किसी आदमी को पकड़ के पूछिए कि आप डर किस चीज़ से रहते हैं, किस चीज़ की डर करते हैं। आज हम लोगों को डर से डराया जा रहा है, हर आदमी में दहशत से दहशत पैदा की जा रही है, क्योंकि आज हम इस पोजीशन में हैं और सरकार या जो भी लोग डराने वाले हैं वो इतनी कमज़ोर पोजीशन में है कि वो हमें किसी भी चीज़ से डरा नहीं सकते। तो उन्होंने एक नया सिस्टम बिल्ड कर लिया है, अब वो हमें डर से डरा रहे हैं। वो हमें हथियार से नहीं डरा सकते, अपनी धमकियों से नहीं डरा सकते, अब आप लोगों को डर से डराया जा रहा है एक प्रोपेगेंडा के तहत। लोगों की सोचने समझने बोलने की जो कैपेसिटी है, जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, उसको पैरालाइज करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो प्रोपेगेंडा के थ्रू हो, फेक न्यूज़ के थ्रू हो या यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जिसके तहत यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। इसमें इन्होंने सबसे पहला जो साजिश है, जो अटैक चल रहा है, वो ये है कि अब यूनिवर्सिटी में सिविल सर्विसेज कोड लागू कर दिया जाएगा। अब प्रोफेसर की हैसियत एक सरकारी मुलाजिम की होगी और एक सरकारी मुलाजिम की हैसियत से प्रोफेसर अब सरकार का केवल पक्ष ले सकता है, वो इंटेलेक्चुअल नहीं रहेगा। वो इंटेलेक्चुअल की हैसियत से अब सरकारी फैसलों पे क्रिटिकल कुछ भी लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, और अगर वो कुछ ऐसा करता है तो उसके लिए हर नतीजा हमारे सामने है। क्या थोड़ा सा क्रिटिकल होते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चनिंग करते हैं लोगों के, जो लोगों को थिंकिंग के लिए प्रोवोक करते हैं, जो बेसिक ह्यूमन एसेंशियल है, रैशनैलिटी, जो बेसिक नेचर है ह्यूमन का, अगर आप उसकी बात करते हैं तो इन लोगों को अनरेस्ट हो जाता है, ये लोग तुरंत घबरा जाते हैं। और चूंकि ये बहुत वीक कंप्यूटर है, जब ये चीज़ें रोजमर्रा में आ जाती हैं तो लोग डरना बंद कर देते हैं, और जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है इन लोगों से, जो भी गुंडे हैं या जो भी लोग हैं फासिस्ट ताकते हैं, कि जनता को इतना मत डराइए कि जनता आपसे डरना ही बंद करे। मुझे कविता याद आती है कि उनके पास तोप है, बोले हैं, बम है, फिर भी वो जनता से क्यों डरते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि जनता एक दिन उनसे डरना बंद कर देगी। वजह से वो डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि जो भी क्रिटिकल थिंकिंग वाले हैं उनकी मॉरल पॉलिसिंग की जा रही है। अब अगर 2015 से पहले आप देखें तो किसी भी आप कोई जर्नल निकलवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन की, न्यूज़पेपर रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं थी, आप फ्रीली उसको निकाल सकते थे। बट प्रेजेंट टाइम में रूल चेंज कर दिया गया है कि अब आपको, आप जो है जब तक आपकी लॉ जनरल रजिस्टर्ड नहीं होगी तब तक जो है आप अपने मैगजीन नहीं निकाल सकते, और इस तरह के जो टेक्निकल रूल्स बने हैं इसके 3-3 साल तक ला के जो मैगजीन्स हैं उनका पब्लिकेशन रुका पड़ा हुआ, क्योंकि इस तरह की सेंसरशिप तो इमरजेंसी में भी नहीं थी। जिस तरह की सेंसरशिप इन्होंने प्रेस रेगुलेशन और दुनिया भर की चीज़ों के थ्रू ला के खड़ा कर दिया है, इमरजेंसी में भी लोग बताते हैं कि उस वक्त जो प्रॉब्लम थी वो डिक्टेटरशिप थी, उस टाइम प्रॉब्लम फासिज्म नहीं थी। जो फासिज्म होता है वो डिक्टेटरशिप से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि डिक्टेटरशिप में गवर्नमेंट अपनी ब्यूरोक्रेसी के थ्रू रूल करती है और ब्यूरोक्रेसी की कुछ लिमिटेशंस होती है और कुछ लाइबिलिटी होती है।
लेकिन फासिज्म में जो रूलिंग लीडर होता है वो एक मॉब के थ्रू रूल करता है, और उस मॉब का कोई नंबर नहीं होता कि वो कितने लोग हैं, ना उनकी कोई लिमिटेशंस होती, ना वो कोई लिमिटेशंस होती, और आप उन्हें आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते, तो चारों तरफ एक खौफ का माहौल होता है। और लोग बताते हैं कि इमरजेंसी के टाइम में भी सिचुएशन इतनी क्रिटिकल नहीं थी, जो खतरा था वो केवल ब्यूरोक्रेट्स थे। लेकिन हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हम लोगों ने उन्हें एक अच्छा जवाब दिया है कि हम यूनाइट होंगे, और हमने आपसे डरना बंद कर दिया है। और ये जो हमारी बातचीत है, जो कन्वर्सेशन है, जो कम्युनिकेशन, उसको तोड़ने की, उसको ख़त्म करने की, जो डिबेट का प्लेस है यूनिवर्सिटी, उसको स्ट्रेटेजिकली, चाहे फंड काटने की बात हो, चाहे प्राइवेटाइज करने की बात हो, पब्लिक स्पेयर को हमसे छीना जा रहा है। और जो दुनिया का सबसे बड़ा हादसा है वो यही है कि लोगों को बात कहने का मौका नहीं दिया जाता। जॉन इलिया के एक शेर के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। वो शेर है कि एक ही तो हादसा है, और वो ये कि बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई।